जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम राजनीतिक लोगों को अछूत बना दिया गया है, एक तरीके से ये देखिए, समाजवादी पार्टी बात करती है हिस्सेदारी की, सबको उन्होंने 1.5% वाले से गठबंधन किया, कृष्णा पटेल से गठबंधन किया जिसकी एक बेटी अनुप्रिया पटेल ऑलरेडी भाजपा के गठबंधन में है, महान दल से किया उन्होंने, जो है राजभर से किया उन्होंने, जो है उन तमाम छोटी छोटी बैकवर्ड अति पिछड़े दलितों से किया, लेकिन उन्होंने दलित और मुसलमानों को धोखा दिया। चंद्रशेखर रावण को बुला करके, तीन तीन बार बुला करके उनको बेइज्जत किया, और उसके बाद किसी मुस्लिम बेस पार्टी को अपने गठबंधन में नहीं लिया। इसका खामियाजा उसको 2022 में भुगतना पड़ेगा, माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी को। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो UDA बनाई है, जिसमें चंद्रशेखर रावण है, पीस पार्टी है और नागरिक एकता पार्टी है, इस तरह की तमाम जो 22 पार्टियां हैं ये मिल करके एक विकल्प देंगी। और आने वाले चुनाव में अब तो सपा में भी मुसलमान को किनारे लगाया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। आपने देखा कि मुबारकपुर में विधानमंडल दल के नेता को बुला करके और जिस तरीके से धोखा दिया अखिलेश यादव जी ने, यहाँ दीदारगंज में टिकट काटा, यहाँ अब वसीम मंत्री के बेवा बीबी का टिकट काटा, टांडा में टिकट काटा, मुजफ्फरनगर में जहां 50% से लेकर 75% तक मुस्लिम बेस वोट था, वहां भी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इस तरीके से अब ताबेदारी करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है, अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार है। और जो विकास का ढिंढोरा पीट रही है BJP, जो कह रही है अगर विकास अगर वो की होती तो विकास के नाम पे अगर वोट मांगना है तो BJP को मैं कहता हूँ कि वो वोट मांगे हाथरस कांड पे, वोट मांगे उन्नाव रेप कांड पे, वोट मांगे जो है ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई, वो जिस तरीके से नौजवान रोजगार मांगने के लिए रोड पे आते हैं तो पीट करके लौलुहान कर देते हैं, गोरखपुर में बच्चियां अगर रोजगार मांगने के लिए उतरती हैं तो उनको पीट करके लौलुहान कर देती हैं, तब उनका कहाँ चला गया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा। इस तरीके से योगी जी अब ये भी फेल हैं, अब इनके जिन्ना हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद यही मुद्दा रह गया है, कोई बेस इनके पास अब नहीं रह गया है। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो UDA बनाई है, जिसके कन्वीनर हैं मौलाना आमिर असादी साहब, ये देखिएगा इस बार हमारे गठबंधन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। अच्छा, ये जाना बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि कहती है कि महिलाओं का इसमें जो कोई सुरक्षा हो रही है इस सरकार में, तो कितनी सुरक्षित महिलाएँ हैं, चाहे मुस्लिम की हों या हिंदू की हों, तो सुरक्षा की बात, अभी एक बुर्का का भी मामला आया था सामने किसी अन्य जगह से, सोशल मीडिया के वायरल हुआ, तो इसको लेकर के कहते देखिए, ये योगी जी तय नहीं करेंगे कि हम टोपी लगाएंगे कि टीका लगाएंगे कि पगड़ी बांधेंगे। पहली बात, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और जो ये तमाशा कर रहे हैं, ये आर्टिकल 21 का वायलेंस है, हिजाब पहने या बाबा आज 5 साल से जो है भगवा पहन करके सरकार चलाए हैं, हमको तो तकलीफ नहीं हुई। उसी तरीके से ये सबको ये फंडामेंटल राइट्स है, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो क्या पहनेंगे क्या खाएंगे ये बाबा नहीं तय करेंगे। और रहा सवाल दिक्कत की, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, तो महिलाओं का सुरक्षा के सवाल पे मैं कहना चाहता हूँ, जो विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, आज पूरे प्रदेश की जनता ये ढूंढ रही है कि विकासवा कहाँ बा, विकास कहाँ है, विकास हुआ है किसमें हुआ है, महिलाओं के छेड़खानी में हुआ है, महिलाओं के बलात्कार में हुआ है, इनके मंत्री और विधायक के द्वारा बलात्कार में हुआ है। ये महिला आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि हाथरस के अंदर महिला के साथ जो हुआ, एक तो उसके साथ रेप हुआ और नहीं तो मारने के बाद उसको लाश तक नहीं दिया जा रहा है, और उस पर ये लोग बात करेंगे। यहाँ किसान अगर अपने हक की आवाज़ उठाता है तो इनके मंत्री जो है उस कुचल देते हैं, और उस पर जो है उस मुद्दे पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं। जिस तरह टक्कर चल रहा है जैसे सपा और BJP में, उस तरह अपने पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिस रेशियो से भाजपा का ग्राफ बढ़ता है तो उसी हिसाब से SP का भी ग्राफ बढ़ता है, और जब जब समाजवादी का ग्राफ गिरता है उसी रेशियो से जो है भाजपा का भी ग्राफ गिरता है। इससे ये सिद्ध होता है कि सपा और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी बात यह है कि अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे सरकार में जो है दंगा होता है और यही लोग दंगा कराते हैं,
वो कहते हैं कि हमारे सरकार में दंगा नहीं होता है, इसका मतलब कि अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के अंदर खुली छूट दे रखा था दंगा करने के लिए, और अपने जो है सैफई डांस देख रहे थे। और बाबा का जो ये कहना है कि हमारे सरकार में दंगा नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों लोगों की मिली भगत है। महिलाओं को लेकर के अगर बात किया जा रहा है तो 40% की बात तो कांग्रेस भी कर रही है। देखिए कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है आज के डेट में। वो कांग्रेस जो है